नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू फर्नीचर ओ फॉरेस्ट। आज हम लोग बात करेंगे टीकवुड बेड के बारे में। और ये आप जो देख रहे हैं, एक स्मॉल साइज बेड है 4x7 feet का, और ये आपका फॉरेस्ट टीकवुड से बना हुआ है और सॉलिड बेड है एक। तो आज रिव्यू करेंगे हम लोग। आप लोग देख ही रहे हैं, ये एकदम नेचुरल जो टीक होता है और ये नेचुरल कलर में है। अभी इसका जो बैक साइड है वो भी आपको दिखा रहा है। ये अभी तक पॉलिश नहीं हुआ है, इसका कुछ अभी बाकी है पॉलिश होने में, दो तीन स्टेप बाकी है अभी भी। तो व्यूअर्स, ये आपका डेढ़ इंच में है इसका, और ये सॉलिड है 1.5 इंच। और इसका बैक साइड भी आप लोग देख सकते हैं, ये है इसका बैक साइड का बैक साइड है। ये इसका बैक साइड आप लोग देख रहे हैं, और इसमें जो फाइबर जो स्ट्रोक है जो नेचुरल, पूरा बेड आपका 1.5 इंच 1.5 इंच में किया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 1.5 इंच में किया हुआ है। और इसको अभी हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि देखने में कैसा लगता है। व्यूअर्स, ये बैक साइड आप देख रहे हैं, इसका जो नेचुरल फाइबर है, जो नेचुरल टीक का स्ट्रोक है यहाँ का, बेसिकली ये फॉरेस्ट टीक में ही सिर्फ मिलता है। ये आपका जो फार्मिंग का टीक होता है उसमें प्रोमिनेंट नहीं दिखता है, ओनली ऑन फॉरेस्ट टीक में ही ये आपका बहुत प्रोमिनेंट दिखता है। व्यूअर्स, हम लोगों का जितना भी टीक आता है और सारे टीक फॉरेस्ट का ही होता है, और इसमें 100% ये एश्योर होता है कि इसमें आपको अच्छा क्वालिटी का जो फाइबर है, जो स्ट्रोक है, जो ग्रेन्स है टीक का, नेचुरल ग्रेन्स, वो आपको देखने में मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, और सेट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि देखने में कैसा। सेटिंग के बाद ये कुछ टाइप का लग रहा है, और इसका इनसाइड स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से हम लोग ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, जितना भी हो सके हम लोग दिखा रहे हैं आपको। और इसमें अंदर में प्लाई है, इसका जो नीचे का प्लाई है वो ऑलमोस्ट सेट हो गया है, और ये बॉक्स कुछ इस टाइप का आएगा इसमें, और इतना स्टोरेज रहेगा। व्यूअर्स, आप लोग इसमें चाहे तो इसमें हाइड्रोलिक भी फिट कर सकते हैं, ऊपर का जो प्लाई है वो इजीली ऊपर उठ जाए, इसलिए इसमें हाइड्रोलिक भी फिट किया जा सकता है। और अभी हम लोग इसका ऊपर का जो प्लाई है वो फिट करेंगे, और उसके बाद आपको एक स्मॉल जो बेड का जो बॉक्स बेड होता है उसका लुक आपको आपका सामने आएगा। प्लाई सेट होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा ये बेड देखने में। इसका स्टोरेज आप लोग देख लीजिए, ये इसका स्टोरेज है, ये आप मैनुअल भी रख सकते हैं और इसमें हाइड्रोलिक भी आप ऐड कर सकते हैं। 4x7 feet का ये बेड है। लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का हम लोगों का ये जो बेड हम लोगों ने रिव्यू किया। और ये सिंगल बेड है 4x7 का, और आपका अगर कोई कस्टम डिज़ाइन भी होगा फर्नीचर, कस्टम डिज़ाइन का फर्नीचर, वो भी हम लोग फॉरेस्ट टीक से बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आपका अगर कोई फर्नीचर बनवाना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स, या आप लोगों को अगर फॉरेस्ट टीक चाहिए तो भी हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, कमेंट करके बताइए आप लोगों को आज का ये बेड कैसा लगा, और किस टाइप का फर्नीचर आप लोग देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों से भेंट होगा नया किसी फर्नीचर या नया किसी फॉरेस्ट में। टिल देन, बाय बाय।